हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना लेक्चर 14। और सॉरी, मैंने थोड़ा ये लेक्चर लेट डाला, थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो नहीं कर पाया मैं। पर प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से ये आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर अपना सैलरी पे अगला वीडियो जल्दी ही मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखते रहिए। ओके, चलिए। तो हम लोग लेक्चर नंबर 13 में क्या देख रहे थे? लेक्चर नंबर 13 में हम लोग बहुत सारे सम्स सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे वाले सम सॉल्व कर रहे हैं, वो थोड़ा लेवल हार्ड होगा, ठीक है? तो चलिए, सामने मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बोलता होगा, पीछे चार पांच सम्स तो हम लोग कर ही दिया पहले से, राइट? तो ये उसके आगे वाला सम से, तो यहाँ पर क्या दिया है, मिस्टर एम इज अ रेसिडेंट। कौन है सर? चलो, ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें, आगे चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, चलिए, क्या बोलता है, मिस्टर एम इज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हैज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है? आगे क्या दिया है, उसका म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया है। सर, इसके बारे में क्या बोलूँ, उसके बारे में फेयर वैल्यू दिया है। फेयर वैल्यू किसका दिया है सर? पर मंथ का दिया है, मतलब अपने को 12 मंथ से इंटू करना पड़ेगा, राइट है? नेक्स्ट क्या दिया है सर, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस दिया है, म्यूनसिपल टैक्सेस ने क्या बोला है, 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन। जो म्यूनसिपल वैल्यूएशन होगा अपना, जहाँ पर ऊपर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ये म्यूनसिपल वैल्यूएशन है अपना, राइट? तो ये 1 लाख के ऊपर 20% क्या होगा अपना, म्यूनसिपल टैक्सेस होगा। सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के बारे में बात किए, इंटरेस्ट 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 ऑन लोन फॉर द परचेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो उसने कोई लोन पे घर लिया है, राइट है? ये घर लोन पे लिया है, उसका इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। इंटरेस्ट में दो टाइप के होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, वो दो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट है, कुछ ऐसा प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सर, आगे बढ़ते हैं, रेंट रिसीवेबल, मतलब रेंट मिलने वाला, मतलब अगर ये घर रेंट पे देता है तो उसमें रेंट कितना मिलेगा, उसके बारे में बात किया है इसने, ठीक है? आगे क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, द हाउस प्रॉपर्टी वॉज वैकेटेड, मतलब सर हाउस प्रॉपर्टी वैकेंसी में चला गया है, राइट? बाय द टेनेंट बाय द एंड ऑफ द, मतलब टेनेंट कब छोड़ के गया सर हाउस प्रॉपर्टी, अक्टूबर में छोड़ के गया, लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर। देखो, मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा फुल ईयर है, ठीक है? ये अप्रैल है, ये पूरा, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? अप्रैल, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? तो सर, अपने को यहाँ पर क्या दिया है, टेनेंट कब छोड़ के गया, लास्ट डेट और डे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ पर आता है सर, यहाँ पर अक्टूबर है, तो उसका लास्ट डेट, मतलब ये अप्रैल फुल मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, देखो अक्टूबर का एंड मंथ में वो चला गया यहाँ पे, राइट है? एंड मंथ पे चला गया, और उसके बाद आगे क्या दिखते हैं, इट कुड देन बी लेट आउट ओनली फ्रॉम 1 जनवरी 2020। मतलब क्या है सर, वो अक्टूबर लास्ट डेट पे चला गया और उसके बाद में नवंबर एंड दिसंबर घर खाली पड़ा था, कोई यूज नहीं कर रहा था, वो टेनेंट छोड़ के चला गया। अब वो आया कब सर, वो क्या बोलना चाहता है कि उसको लेट आउट कब किया जा सकता है, सिर्फ 1 जनवरी से ही कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब यहाँ से लेट आउट होना फिर से शुरू हुआ, राइट है? और आगे क्या दिया है, @14,000, मतलब सर पहले कितने में लेट आउट कर रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं रेंट रिसीवेबल कितना है सर, 10,000, और यहाँ पर रेंट रिसीवेबल कितना हो गया, बढ़ गया 14,000। मतलब सर, ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक वो 10,000 पर मंथ ले रहा था, क्या ले रहा था, 10,000 पर मंथ रेंट ले रहा था, बट वो टेनेंट छोड़ के गया, कोई दूसरा टेनेंट आया, शायद उसको रख लिया, तो उन्होंने ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक क्या किया सर, उसको 14,000 पर मंथ कर दिया। सर समझा, सिंपल है, क्लियर है सर? तो ये जो वैकेंसी, ये जो खाली पड़ा, ये जो ये पार्ट ये 2 मंथ से, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? तो ये 2 मंथ्स क्या हुआ, वैकेंसी में चला गया, किस में चला गया है, वैकेंसी में। सर आगे बढ़ते, आगे क्या बोलता है, रेंट फॉर मार्च, मतलब मार्च मंथ का रेंट, ये वाला पार्ट, ये वाला मार्च मंथ का रेंट कुड नॉट बी रियलाइज्ड, मतलब क्या हो गया सर, मतलब
बंदा घर तो रह रहा था, रेंट पर तो रह रहा था, बट उसने सिर्फ जैन का दिया, फेब का दिया, बट मार्च का नहीं दे पाया पैसा वो, तो वो ही बोल रहा है कुड नॉट बी रियलाइज द कंडीशन अंडर रिलेवेंट इनकम टैक्स वो आर सेटिस्फाइड, जो कंडीशंस होते वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो वो कंडीशंस तो अपने को पूछते नहीं कहीं पर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर वो अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हो आप, ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाई हो तो नहीं कर पाओगे। आगे कंप्यूट द, क्या बोल रहा है आगे, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। चलो सर इतना क्लियर हो गया, अब अपन सम्स करते, सिंपल है सर, हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला फाइंड आउट करते हैं, देखो मैं एक जो है ना ये कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ अपने लिए, तो ठीक है बना लिया मैंने एक टेबल। अब मैं उसमें सिंपल सा सॉल्व करता हूँ, क्या है सर, फर्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जीएवी कैलकुलेट करना है, राइट, जीएवी। आप जब सम्स देखोगे समझ जाओगे आप, मैं सिर्फ शॉर्ट में जल्दी से बता दूंगा आपको कैसे करना है आपको, ठीक है। जीएवी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, हायर ऑफ आरएलवी एंड, आरएलवी एंड हमें क्या देखना पड़ता है, आरएलवी एंड एआर, राइट। तो आरएलवी पहला फाइंड आउट कर लेते हैं, आरएलवी, आरएलवी कैसा मिलता है सर, फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यूएशन, राइट। तो सर फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन क्या बात कर रहा है सर, देखो इधर क्लियरली लिखा है फेयर रेंट कितना है 15,000, तो सर फेयर रेंट कितना है सर 15,000 इंटू 12, ज़्यादा सोचने का नहीं, जब भी ये कैलकुलेशन करते हो वो एनुअल बेसिस पे होता है, ये राइट है, डीम्ड आरएलवी डीम बेसिस पे किया जाता है, राइट। तो उसका प्योर वो 12 महीने का होगा, इधर कोई भी माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, 12 मंथ्स का ही होना चाहिए, राइट। तो ऐसा करके अपने समझो ये अमाउंट है अपना, ये भी अमाउंट है और ये पार्ट पर्टिकुलर से, ठीक है। तो सर ये कितना आता है सर अपना 180 आ जाता है, कितना आता है सर 180। सर इनर कॉलम में क्यों सर, अरे बहुत सारे कैलकुलेशंस है ना और भी, राइट। म्यूनसिपल वैल्यूएशन सर, म्यूनसिपल वैल्यूएशन तो यहाँ पर दिख रहा है 1 लाख, तो क्लियरली दिखा है 1 लाख। सर मेरे को ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, हाइयर 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 राइट, हाइयर कौन है सर, 1,80,000, सर ये 1,80,000 बन गया सर अपना, राइट, 1,80,000 बन गया, क्या बन गया सर, बट कंपेयर किससे करोगे सर, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे सर, स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है सर, देखो स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान दोगे तो 9,600 का स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है। तो 9,600 मैं अगर लेता हूँ, 9,600 इंटू क्या करूँगा, 12 मंथ करूँगा, राइट है, 12 मंथ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो 12 मंथ जब करूँगा तो अपने को कितना मिलेगा, 1,152,200, ठीक है। तो मेरे को बताओ सर यहाँ पर क्या करते हैं अपन, विच एवर लोअर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं विच एवर इज लोअर लूंगा, तो आर एल भी मिल जाएगा मुझे विच एवर इज लोअर, राइट। सर कौन सा है इसमें से लोअर, अपना अपना बनता है 1,150,000, ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया सर, आर एल भी आ गया अपना। अब क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, ए आर आर फाइंड आउट करूंगा, ए आर आर कैसा फाइंड आउट करूंगा सर, ये तो फर्स्ट मेरा ए पॉइंट था, राइट, जो ए मिल गया यहाँ पर मुझे, सेकंड बी पॉइंट क्या रहेगा अपना, ए आर आर, ए आर आर देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको चाहिए तो आपके लिए कलर भी चेंज कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी ए आर आर कैसा फाइंड आउट करोगे, हमेशा याद रखना एनुअल लेना हमेशा, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज मत रहना कि मुझे 7 महीने का लेना है, 8 महीने का लेना है, 12 मंथ्स का ही लेना है आपको कुछ भी करके, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जब मैं 12 मंथ का एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लूंगा, तो मुझे सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा क्या बोलते हैं अपना, मतलब पूरा महीने का मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो लेट एज्यूम, ठीक है एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो
दो टाइप का अपने पास रेंट है, राइट। दो टाइप के अपने पास रेंट है, एक तो 10,000 मिल रहा है मुझे। 10,000 का कब मिला सर, कब तक का मिला 10,000? 10,000 मिल रहा है मुझे, अगर ये मंथ गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने तक का मिला है मुझे 2,000, 10,000, राइट। उसके बाद में मुझे कहाँ तक का मिलेगा सर, उसके बाद में मुझे आगे अगर देखोगे जैन फेब मार्च मिलना चाहिए, राइट। तो 14,000 जैन फेब मार्च मिलेगा सर। ऐसे टोटल करने जाओ तो कितना आता है सर, टोटल करने जाओ तो 10 मंथ्स आता है, बट अपने को 12 मंथ्स चाहिए। तो अपन यहाँ पर एजम्पशन ले सकते हैं कि हम ये एजम्पशन करेंगे कि 10,000 मुझे अक्टूबर तक मिल रहा है, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10,000 तक मुझे अक्टूबर मिल रहा है, तो मैं तब जाके तो 12 कर पाऊंगा, राइट है। चलिए देखते, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं इसमें, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कैसे निकालूंगा सर, एक तो मैं मानूंगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ तक जो है मेरा ये पीरियड मुझे 14,000 ऐसा मिल रहा है, ये मान के चलूंगा। और यहाँ पर वैकेंट है ना, स्टिल मैं क्या मान के चलूंगा इसको, मुझे 10,000 मिल रहा है, समझा, क्लियर है। मैं मान के चलूंगा 10,000 मुझे मिल रहा है, वैकेंसी थोड़ा देर के लिए भूल जाता हूँ, वो बंदा है अपने पास और मैं दिसंबर तक उसको रखा, उसके बाद में उसका रेंट बढ़ा रहा हूँ, ये सोच के चलो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कितने मंथ्स हो जाते सर, यहाँ पर 3 मंथ्स हो जाते और यहाँ पर कितने मंथ्स हो जाते, 9 मंथ्स हो जाते, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 इंटू 9 मंथ्स करूँगा, कितना होता है सर, 10,000 इंटू 9, 90,000 होता है, क्लियर है सर। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 14,000 इंटू जैन से लेके मार्च तक, राइट है सर, 3 मंथ का कितना आता है सर, 42,000 आता है, कितना आता है सर, 42,000 आता है सर। मैं कैलसी यूज़ कर लेता हूँ, क्या आता है देखते हैं अपना, 90,000 प्लस 42,000, ठीक है। तो कितना आता है सर, 132,000 आता है, तो आता है 132,000 आता है, राइट। ये क्लियर हो गया सर, चले आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। अगर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ प्रॉपरली, तो क्वेश्चन में मुझे इतना कहा गया है कि जो टेनेंट था वो अक्टूबर एंड तक था, उसके बाद वो 2 महीना नहीं था, क्लियर है। उसके बाद जो जैन फेब मार्च में जो बंदा था वो 14,000 के हिसाब से चार्ज किया, और उसमें भी उसने 1 मंथ का रेंट नहीं दिया, क्लियर है क्वेश्चन। अब मैं इसको प्रॉपरली अपना फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मैं क्लियरली एक बात लिख रखा हूँ, लिखता हूँ इधर, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो है ना, मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने क्या एजम्पशन लिया, एजम्पशन, एजम्पशन लिया है मैंने, यहाँ पर वी एज्यूम्ड वैकेंसी रेंट एट द 10,000 पर मंथ, ठीक है। सिर्फ एजम्पशन लिया है वो पॉइंट पे, अदरवाइज वो 7 मंथ हो सकता था, ठीक है। सॉल्यूशन में आप अलग भी देख सकते हो, आप जैसा करना है वैसा करो, आंसर आपको आना चाहिए बट लास्ट मिनट में, ठीक है। चलो चलो, ये अब मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पर मैं लेस करूँगा, क्या लेस करूँगा सर, जैसा मैंने आपको सिखाया है, दो चीज़ हो सकते हैं, बैड डेब्ट्स अनरियलाइज, राइट। तो फिलहाल तो अनरियलाइज वर्ड डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने क्लियरली दिया है अनरियलाइज रेंट। सर अनरियलाइज रेंट कितना, मैंने कहा था लास्ट मंथ का 1 मंथ का अनरियलाइज रेंट हुआ था, क्लियर है सर। कितना है सर, 1 मंथ इंटू 14,000, क्लियर है सर, कितना होता है सर, 1,114,000 होगा, ठीक है। और एक क्या पार्ट था सर अपने पास, ये तो एक हुआ, और एक क्या था सर, वैकेंसी, वैकेंसी भी तो था, राइट है, 2 महीने के लिए वैकेंसी था ना, जो यहाँ पर बैठा हुआ है अपना, राइट, उसको भी तो निकालना पड़ेगा मुझे, वो तो मिला ही नहीं मुझे, तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर वर्डिंग्स क्या यूज़ किया, एनुअल रेंट यूज़ किया है ना, तो इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, एनुअल रेंट रिसीव, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉरी बैड डेट्स बोल रहा हूँ मैं, क्या था मेरा, वैकेंसी, 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 वैकेंसी कितना सा था सर, वैकेंसी था 2 मंथ के लिए, 2 महीना, कौन सा सर, नवंबर एंड दिसंबर,
हाँ सर, कितना हुआ सर वैकेंसी में? अज्यूम किया है मैंने, क्या अज्यूम किया है सर वैकेंसी का? 10,000 लेके चल रहा हूँ मैं फिलहाल, राइट? देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मेट चेंज नहीं करना है अपना। एक फॉर्मेट रखो, हमेशा वही फॉर्मेट के बेसिस पे आगे बढ़ो, ठीक है? तुम लोग अगर देखोगे सब में कभी कहीं पर 12 मंथ लिया है, कहीं पर 10 मंथ लिया है, तो ऐसा करोगे तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो यहाँ पर क्लियरली एक ही जगह रखना है, मुझे 12 मंथ का ही लेना है स्टार्टिंग में। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसमें से माइनस करूँगा जो माइनस करना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने सेम वैसे ही किया, अब मैं माइनस कर रहा हूँ जो वहाँ पर ऐड किया था, मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ सर। यहाँ पर कितना आएगा सर? यहाँ पर आएगा 20,000। तो सर ये टोटल मिला के कितना होता है सर? ये बनता है 34,000, राइट? तो 34,000 में से जब मैं 132 में से 132 में से 34,000 माइनस करूँगा तो बचता कितना है सर मेरा? तो मेरा बचेगा सर 98,000 बचेगा, ठीक है सर? ये पार्ट बना मेरा बी पार्ट। क्या बना सर ये? बी पार्ट बन गया। क्लियर है सर? सिंपल है, कुछ समझ में आ रहा है, राइट सर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा सर? अपने को मिलेगा जीएबी। जीएबी क्या है वो मिल जाएगा, क्लियर है सर? इसमें जीएबी क्या मिला मुझे सर? जीएबी क्या मिला? आरएलवी, आरएलवी और क्या सर? एआरआर, ठीक है। एआर मेरा 98,000 है, और ये कितना है? आरएलवी कितना है सर? आरएलवी ऊपर निकाला था मैंने, 150, 115, 115,002। मेरे को बताओ सर इसमें से जीएवी क्या बनेगा, राइट है? तो इसमें से एआरआर कम है, यहाँ पर कितना है एआरआर, राइट है? 98,000 है। तो ऐसे टाइम पे है ना, डायरेक्टली डिसीजन मत लिया करो। एआरआर जिधर कम होगा ना, डायरेक्टली डिसीजन मत लिया करो। एआरआर ज़्यादा होगा तो बोल देना, विच एवर इज हायर बोल के एआरआर को ले लेना। बट यहाँ पर विच एवर इज हायर बोलने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन में वैकेंसी है क्या कहीं पर, राइट है? तो ये सिचुएशन में वैकेंसी है मेरे पास। कितना है सर वैकेंसी मेरे पास? सर मेरे पास वैकेंसी कितना है सर? ध्यान दो, कितना है? 20,000 है। अगर मुझे ये बताओ, अगर गलती से वैकेंसी नहीं होता तो 20,000 ऐड हो जाता है यहाँ पर, राइट? तो कितना मिलता मुझे? 1,08,000, 1,08,000, 1,18,000 बन जाता है ये, राइट है? अभी मेरे को बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? अब तो ये बड़ा बन जाएगा। तो याद रखना, जब भी वैकेंसी के वजह से वो छोटा है, अदरवाइज वो बड़ा होता। तो ऐसे टाइम पे हमेशा एआरआर को क्या करना? जीएवी चॉइस करना। एआरआर को हमेशा क्या करना? जीएवी चॉइस करना, ठीक है? तो अपना इस बार का जीएवी क्या बन जाएगा? एआरआर बन जाएगा सर। यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, आप सम्स देख लेना, ठीक है? मतलब क्या है ना, मेरे इधर स्पेस की कमी है थोड़ी, ठीक है? मैं फिर भी इरेज कर देता हूँ। इरेज करके हम चलिए शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं ये सम्स को। सर जीएवी कितना मिला सर मुझे? जीएवी मिला 98,000 मिला। डाउट सर, वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? वर्किंग, एज पर वर्किंग, वर्किंग मैंने जो नीचे वर्किंग किया है यहाँ पर, राइट? नेक्स्ट सर मैं क्या करूँगा? लेस, लेस क्या करूँगा सर? म्यूनसिपल टैक्सेस क्या करूँगा मैं? म्यूनसिपल टैक्सेस सर कितना बोला है? म्यूनसिपल टैक्सेस 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन। सर म्यूनसिपल वैल्यूएशन क्या था सर? ये देखो ना, यहाँ पर दिख रहा है क्या? कितना है? 1,00,000 है। तो 1,00,000 का 20,000 कितना हो जाएगा? मतलब दैट इज 1,00,000 का 20,000 कितना हो जाएगा सर? 20% कितना हो जाएगा सर? 20,000 हो जाएगा, राइट? म्यूनसिपल वैल्यूएशन यहीं पर दिया है ना अपने को, 1,00,000। देखो ना, दिख रहा है क्या क्लियरली उसका? तो सर ये माइनस करके क्या बचेगा सर मेरे पास? मेरे पास बचता है 78,000 बचता है। 78,000 जिसको हम क्या कहते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। क्या कहेंगे इसको? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा सर? दो है, डिडक्शन, डिडक्शन राइट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, राइट है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पहला आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना सर? 30%। उसके बाद आता है इंटरेस्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट डिडक्शन सर। इंटरेस्ट तो यहाँ पर क्लियरली बोल के दिया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है? 20,000 है। तो 20,000 लिख दिया यहाँ पर, पूरा मिलेगा ना? लिमिटेशन क्या है? वो 2,00,000 का लिमिटेशन, और लेट आउट है, लेट आउट के लिए तो अनलिमिटेड है, राइट है? प्रीवियस लेक्चर में है, देख लेना एक बार जाके। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड किस पे होता है सर? 78 पे होता है सर। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 23,400 आ रहा है मेरा,
कितना आ रहा है 23,400। तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा ये। अगर ये माइनस हो जाएगा तो मेरा आंसर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या बचता है सर, मेरा बचता है इनकम फ्रॉम एचपी। एचपी क्या बचेगा सर, देखो 78 माइनस ये, यहाँ पर मेरे पास 34,600 आ रहा है। तो ऐसा करके ये सम्स क्लियर हो जाता है। थोड़ा टेक्निकल था, मीन्स थोड़ा प्रोविजन अगर आपको पता होगा तो ये इसमें प्रॉब्लम सम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चले आगे बढ़ते हैं अभी। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ वो बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में क्या है सर, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सिंपल है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर कल तुमको समझ में नहीं आता है तो मतलब सम रॉन्ग करके आ जाओगे, इतना सिंपल वाला है। ठीक है, देख लेते एक बार। एक्स हैज एन हाउस, एक्स के पास घर है इन मुंबई, मुंबई में घर है उसका, राइट है। विच ही यूज टू फॉर हिज ओन रेसिडेंट, ठीक है, खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा था वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर सर, 18-19 में यूज़ कर रहा था। ठीक है, ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू नागपुर, कोई जॉब के चक्कर में वो ट्रांसफर हो गया। ही कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज हाउस इन प्रीवियस ईयर, मतलब वो रह नहीं पाया उधर जहाँ पर उसका खुद का घर है, उसके जगह पे ही स्टे इन रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी नागपुर। तो मुंबई में घर है होने के बावजूद वो क्या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर चला गया, ट्रांसफर हो उसका नागपुर में, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, रेंट पे रह रहा है। तो ये घर तो खाली पड़ा है उसका, राइट। फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस कनेक्शन ऑफ मुंबई हाउस, मुंबई हाउस का इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है सर, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। अगर ये मुंबई हाउस को लेट आउट करते हो तो उसका रीजनेबल लेट आउट वैल्यू 36,000 आएगा। रिपेयर्स है उसके ऊपर 1,000, याद रखना कोई भी एक्सपेंसेस आता है हम डीम्ड 30% में लेकर क्लियर करते हैं, तो अपने को इसमें कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ दिखाने की, राइट। इग्नोर करना, ये चीज़ अपने लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है सर, ये चीज़ को सर इग्नोर करना, ये चीज़। नेक्स्ट क्या है सर, इंटरेस्ट फॉर अबव हाउस टेकन ऑन मार्च 1990, याद रखना 1 अप्रैल 1999 के आगे से जो भी लोन लोगे ना तो आपको 2 लाख का डिडक्शन अवेलेबल है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और लेटर प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं, वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो उसका, कितना भी हो इंटरेस्ट बिंदास मिल जाएगा आपको। बट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको मिनिमम 2 लाख का डिडक्शन, सॉरी आपको मिनिमम ये क्राइटेरिया है कि मार्च के 1 मार्च 2019, 1 अप्रैल 1999 के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, राइट। तब जाके वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, अदरवाइज आपको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 30,000 का ही बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो बोलता है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज दैट एक्स हैज डिराइव नो बेनिफिट फ्रॉम मुंबई हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके बाद से वो क्या बोलना चाहते हैं, एक्स कभी जा नहीं पाया, कोई बेनिफिट ले नहीं पाया हो। ठीक है सर, करना क्या है सर इसमें, आपको लॉजिकल क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अपने को सिर्फ इतना बताना है कि वो मेरे को ये बताओ सर, अगर वो सर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है वो, राइट, उसके जगह पे वो क्या कर रहा है, रेंट पे जा रहा है, रेंट पे जा रहा है, ठीक है, वो वहाँ पर पे करता होगा, बट ये तो घर खाली पड़ा है ना सर। तो ऐसे टाइम पे उसके पास दो घर, मिनिमम टू हाउसेस, सॉरी मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स टू हाउसेस वो क्या कर सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकता है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपने को जीएवी क्या होता है, हमेशा नील होता है, याद रखना। और अगर लेट आउट करता है तो उसमें रीजनेबल लेट आउट वैल्यू आ जाएगा, फिर वो जीएवी बन जाता है वहाँ पे, राइट। बट यहाँ पर उसका घर खाली पड़ा है, उसके पास ऑप्शन है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है वो चीज़ को। तो दो घर है तो बेनिफिट ले लूंगा ना, मैं क्यों रुकूँ यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर लिखना सर, हमें काम क्या है सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगा इसका सर, इसका नील रहेगा। क्यों सर, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी को क्या माना है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमेशा जीएवी नील होता है, भले क्वेश्चन में आपको रीजनेबल लेटर ऑफ वैल्यू दिया हो, उसको क्लियर बताया ना, वो बंदा खुद का घर रोके भी नहीं रह रहा है, तो खुद का जो घर है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड वो ट्रीट कर सकता है। ठीक है, अगर उसके पास ऑलरेडी दो घर होते जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करता, तो इसको मुझे डीम टू बी लेटर मान के चलना पड़ता। ओके ठीक है, तो यहाँ पर नील ले लिया सर।
सर यहाँ पर ये नहीं ले तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन, म्यूनसिपल टैक्स क्या आता है वो भी नील ही हो जाता है, कभी आया नहीं तो ये भी नील हो जाएगा सर, NAV राइट नील हो गया सर। तो मैं क्या करूँगा सर, लेस 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 डिडक्शन, डिडक्शन सर डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या करूँगा 24 सर, उसमें दो डिडक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जब बात करोगे तो वो NAV पे आ जाता है राइट, 30% ऑफ NAV, NAV सर NAV नील है तो ये भी तो नील ही होगा, तो कुछ बचा ही नहीं सब में सर, बचता क्या फिर मेन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए कर रहा है हम सभी, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना है ना मुझे, टैक्स कम करना है कैसे भी करके राइट। तो लेस इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट मुझे दिया कितना है 30,000, 30,000 90 ले लूँ क्या डायरेक्टली सर, रॉन्ग गई है। क्यों सर, क्योंकि वहां पर क्लियरली मेंशन किया था ये मार्च 1999 में लिया गया लोन है, मार्च में नहीं होना चाहिए, अप्रैल में होता तो मैं दे देता पूरा का पूरा, क्योंकि अप्रैल में होता तो शायद वो 2 लाख के डिडक्शन में आ जाता, तो ये 3970 जो ऊपर जो बच रहा है ना अमाउंट वो भी मिल जाता उसको डिडक्शन, बट यहाँ पर ये केस में नहीं मिलेगा क्योंकि उसने लोन मार्च अप्रैल से, अप्रैल 1999 के पहले लिया। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखना है मैंने प्लीज लिंक डाल दिया है, आप हाँ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, मैंने क्लियरली इंटरेस्ट के बारे में लेक्चर लिया है, तो वो अगर देख के ये सम देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर है। चलो सर तो फिर कितना मिलेगा सर, ये नहीं मिलेगा तुमको, मिलेगा सिर्फ 30,000 का ही मिलेगा, तो 30,000 सर इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया सर मेरा, -30,000 आया। क्या है सर माइनस, ऐसा होता है क्या सर, इनकम होता है माइनस में भाई, ये माइनस में चला गया ना तो टेंशन नहीं लेने का, दूसरे हेड्स भी बैठे ना अपने, किसी का सैलरी होता है, हाउस होता है, किसी का बिजनेस इनकम होता है, किसी का कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ होती है, सब मिला के पॉजिटिव में आ जाता है, नेगेटिव में कभी नहीं होता हर चीज़ राइट। ये एक है जो आपको नेगेटिव लेके हम दूसरे से सेट ऑफ करके हमारा इनकम और कम करके हम कम टैक्स भर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर SOP और RLB, इसलिए कभी भी कोई भी टैक्स का बेनिफिट लेना होना ज़्यादातर लोग SOP में क्लेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि SOP में GAV नील होता है और प्लस इंटरेस्ट अपने को मिल जाता है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमेशा तुम कभी भी याद रखना, जब तुम खुद से कर लेते हो तो तुम्हारा प्रॉपर्टी का SOP पार्ट बन जाता है, और SOP जब कैलकुलेट किया जाता है GAV नहीं होता, और तुम्हारा जो लोन जा रहा है इंटरेस्ट जा रहा है प्रिंसिपल जा रहा है राइट, तो इंटरेस्ट पोर्शन आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, और जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो आपको ATC में बेनिफिट मिलेगा, जो आगे चैप्टर्स में हम लोग डिडक्शन चैप्टर में देखेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम बहुत सिंपल है ठीक है, सिंपल मीन्स थोड़ा ट्रिकी है, कैलकुलेशन पार्ट है, वो समझ जाओगे तो आप पूरा ये सब समझ जाओगे ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार सर ठीक है। अरे चल मेरे भाई, चलो सर देखते हैं, राम ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी, चलो खुद का घर है एक राम के पास मद्रास में है, विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई हिम फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद का घर था, खुद रह रहा था, ऑक्यूपाई कर किया था उसने। नेक्स्ट क्या, ही वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, मतलब ये भी ट्रांसफर वाला केस जो लास्ट सम हमने देखे सेम वैसे वाला ही राइट, इन 2019 जून 2019 में वो ट्रांसफर किया गया राइट, एंड देयर आफ्टर लेट आउट द प्रॉपर्टी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई 2019 मंथली रेंट ऑफ 3,000, मतलब सर 1 जुलाई से लेके आगे तक लेट आउट कर दिया 3,000 के हिसाब से सर, म्यूनसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ 25% ऑफ रिटेलेबल वैल्यू वॉज 6,000 विच 50% वॉज पेड बाई हिम बिफोर, बस ये एक ही है जो प्रॉब्लम दे रहा है आपको, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ठीक है। आगे क्या दे रहा, फेयर रेंट दिया है प्रॉपर्टी का, उसके बाद इंटरेस्ट जो बोरो किया था उसके ऊपर 20,000, चलो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देता हूँ तुमको, अब तुमको मैं बोलूँगा GAV निकालने के लिए राइट, उससे पहले मैं म्यूनसिपल वैल्यूएशन कैसा कैलकुलेट किया गया उसके बारे में बता देता हूँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, म्यूनसिपल यहाँ से पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना काम है ठीक है, ये दो लाइन पढ़ते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस मतलब सर म्यूनसिपल टैक्सेस राइट, म्यूनसिपल टैक्सेस सर, ये म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है सर, 25% ऑफ रिटेबल वैल्यू, कितना 25% है किसका सर, रेटेबल वैल्यू, रेटेबल वैल्यू मतलब सर मैं बताता हूँ ना, रेटेबल वैल्यू, रेटेबल वैल्यू मतलब सर ये होता है म्यूनसिपल वैल्यूएशन, क्या होता है म्यूनसिपल
वैल्यूएशन, ठीक है सर। रेटेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? म्यूनसिपल वैल्यूएशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट, ये कितना? 25% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, और वो कितना है सर? 6000 है। कितना है सर? 6000 है। सर मेरा काम क्या बनता है, अगर म्यूनसिपल टैक्सेस 6000 है, कितना परसेंट सर? 25%, तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना होगा? म्यूनसिपल वैल्यूएशन क्यों कर रहा हूँ सर मैं? जब मैं जीएवी निकालूंगा तब तो मुझे क्या चाहिए होता है? रीजनेबल नेट आउट वैल्यू चाहिए होता। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, ये निकालूंगा ना, म्यूनसिपल वैल्यूएशन चाहिए मुझे, ये मैं जब निकालूंगा ना आपको समझाऊंगा कहाँ पर काम कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो अगर मुझे ये चाहिए तो ये कितना होगा सर? उसका 100% होगा, राइट है। म्यूनसिपल वैल्यूएशन 100% है, तब जाके म्यूनसिपल टैक्स कितना ले रहा हूँ मैं? 25% ले रहा हूँ, जिससे लास्ट सम में हम जाके एक बार देख के आ जाओ, लास्ट सम में क्या लिखा था? म्यूनसिपल टैक्सेस इज 20% ऑफ किसका? म्यूनसिपल वैल्यूएशन का। तो उस टाइम पे म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया था मैंने, 20% निकाला। इस बार क्या दिया? 25% दिया है, अपने को 100% निकालना है, समझा? तो 100 का मैं 25 मारूंगा, या 20 का 100, 25 का 100 करने जाऊंगा, तो कैलकुलेशन तो वही बैठेगा ना, मैक्स ही है ना आखिर में। तो सर मैं जब वो कैलकुलेशन करता हूँ, चलो मैं करता हूँ यहाँ पर, 6000 × 100 / 25, तो कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा सर? 24000 आ जाएगा। कितना आएगा सर? म्यूनसिपल वैल्यूएशन 24000। कैसा आया सर? सर सिंपल चीज है, मैक्स है सर। म्यूनसिपल वैल्यूएशन इज इक्वल टू 6000 × 100 / 25, तो तुमको 24000 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ, चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जीएवी निकालते हैं, जीएवी कैसे निकालेगा सर? फर्स्ट आरएलवी पे ध्यान दीजिए सर। आरएलवी कैसे निकलेगा? फेयर वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यूएशन। फेयर वैल्यू क्या पर, यहाँ पर लिखा है ना लास्ट लाइन में, देखो सेकंड लास्ट लाइन कितना लिखा है? 20000 लिखा है, तो 20000 ये लिखा मैंने सर। और ये कितना दिया है सर? अभी अभी जो कैलकुलेट किया मैंने वर्किंग नोट में, राइट। तो वर्किंग नोट नंबर वन करके दे दो, कितना मिला सर? 24000 सर। कितना आया सर इसमें? विच एवर इज हाइयर सर? 24000 हाइयर है, राइट है। अब मैं एक्चुअल रेंट रिसीव करूंगा, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है सर? एक्चुअल रेंट रिसीव मैंने कैसे निकालने वाला? पहले एनुअल निकाल लो, एनुअल में 3000 सोच के चलो, एनुअल 3000 सोच के चलो, मान के चलो अभी फिलहाल, ठीक है। तो है ना यहाँ पर 3000 रेंट दिया उसने, तो एनुअल अगर मैं 12 महीने का करने जाऊँगा, 3000 मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनुअल रेंट, क्या लिखूंगा मैं? एनुअल रेंट। तो कितना लिखूंगा मैं सर? 3000 × क्या करूँगा? 12 करूँगा, तो कितना आता है सर? 3000 × 12 36 आता है, राइट। तो मैं 36 लिख दिया सर यहाँ पर, 36 लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगा सर? लेस लेस वैकेंसी, क्या बोला मैंने? वैकेंसी, वैकेंसी था ना, खाली पड़ा था, कोई यूज़ नहीं कर रहा था, पड़ा था ऐसे। तो कितना मैंने था सर? वो स्टार्ट कब से हुआ सर? अगर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, उसने लेट आउट फ्रॉम 1 जुलाई से किया, मतलब अप्रैल मई जून खाली पड़ा था, 3 महीना खाली पड़ा था, फिर जुलाई से शुरू किया उसने। तो 3000 × 3 मंथ, तो कितना हुआ? 9000 हुआ। तो कितना आता है सर? -9000, तो कितना बचा सर? 27000 बचा, 27000। मेरे को बताओ सर, ये बना मेरा ए पार्ट, ये मेरा बना बी पार्ट, जीएवी क्या बना सर? जीएवी विच एवर इज हायर सर। यहाँ पर आप वो देख क्यों नहीं रहे कंडीशन? क्योंकि ये ज़्यादा है ना, मैं क्यों दिमाग लगाऊँ ज़्यादा? ARR डायरेक्ट ज़्यादा है, अगर कम होता तो मैं कंडीशन देखता था। तो मेरा ये बन गया जीएवी, जीएवी बन गया मेरा 27000। तो मैं सम्स यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली लिखता हूँ, जीएवी बना मेरा 27000, राइट। जीएवी बना मेरा 27000, ठीक है। अब सर मैं क्या करूँगा? लेस क्या करूँगा सर? लेस करूँगा हाँ सर, अब मैं क्या करूँगा सर? लेस करूँगा म्यूनसिपल टैक्सेस, क्या बोला मैंने? म्यूनसिपल म्यूनसिपल टैक्सेस सर। म्यूनसिपल टैक्सेस कितना दिया है सर? सर क्वेश्चन में अगर देखोगे आप, म्यूनसिपल टैक्सेस 6000 दिया है। कितना दिया है सर? 6000। बट उसने क्या बोला? 50% ही पेड किया मैंने। और याद रखना, अपने को पता ही है वैसे भी, बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि हम क्या करते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे लेते हैं, याद है? लास्ट प्रीवियस ईयर में जो पेड किया रहेगा वही दिया रहेगा, और प्लस वो पेमेंट ओनर किया होना चाहिए, टेनेंट भी नहीं, राइट। कंडीशंस थे ये सब, सब सिखाया हुआ है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये चीज़, राइट।
ये 6,000 था, उसका सिर्फ 50% ही क्या किया है, पेड किया है, पेड किया है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, 3,000 ही माइनस होगा मेरा यहाँ पर। तो बचा सर कितना है यहाँ पर, 24,000। सर 24,000 में से मैं क्या करूँगा, डिडक्शन क्लेम करूँगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या सर, 24। तो वहाँ पे मैं दो डिडक्शन लूँगा सर, डिडक्शन सॉरी डिडक्शन कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% ऑफ एनएवी, राइट। ये एनएवी मिला ना मुझे, एनएवी मिला ना ये, तो एनएवी इसका 30% सर। अगर मैं 3,000 माइनस करके 24 मिलता, उसका 30% लूँगा, तो कितना आता है सर, 7,200 आता है मेरे लिए, राइट। 7,200 आता है। फिर बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट का कंडीशन है क्या, देख लो सर अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है सर। मुझे वो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया है सर, इंटरेस्ट 20,000 दिया है, सिर्फ 20,000। तो वो 30,000 के अंदर ही आता है, मैं लिमिट पार करूँ या नहीं पार करूँ, वो 30 तो मिल ही जाएगा मिनिमम, राइट। तो मुझे वो कंडीशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 20,000 इंटरेस्ट क्लेम कर लूँगा। तो ये माइनस, तो बचता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर आता है माइनस में आता है 3,200, राइट। लास्ट सम भी अपना माइनस में आया था, ये भी सब माइनस में आ गया। क्लियर है सर, सिंपल है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है अभी क्या चल रहा है मेरा। चलिए गाइस, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना सामने स्क्रीन पर, ध्यान दे सकते हो आप। सर क्या कह रहा है कमल, मिस्टर सॉरी कुणाल, मिस्टर कुणाल इज अ ओनर ऑफ टू हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, दो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है वो, राइट सर। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो उसने दो घर है उसके पास, 31 मार्च 2020 का इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2021, असेसमेंट ईयर अपना 2021 है और प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, इसमें पर्टिकुलर्स दिया है, प्रॉपर्टी वन दिया है उसने, प्रॉपर्टी टू दिया है, ठीक है सर। तो अपना सॉल्यूशन उस हिसाब से बनेगा। और यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी में, नेचर कौन सा नेचर का ऑक्यूपेंसी है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है उसने, सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये लेट आउट है सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम लोग कभी जीएवी निकालते ही नहीं, राइट है, वो नील होते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या है अपना, जीएवी निकलता है, वो सब चीज़ आता है, राइट। तो मैं जब देखूंगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, तो ऐसे टाइम पे ध्यान रखना मेरा काम क्या बनता है कि एनुअल रिटेबल वैल्यू, एनुअल रिटेबल वैल्यू मतलब सर जो आरएलवी है ना, उसके बारे में बात कर रहा है वो, राइट है। हमने इससे पहले देखा था म्युनिसिपल वैल्यूएशन आया था, याद है, वहां पर भी हाँ हमने आरएलवी निकाला था उसके बेसिस पर। नेक्स्ट सर, ठीक है सर, ये किसके लिए काम आएगा सर, ये जीएवी के लिए काम आने वाला है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, बट ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमको कोई मतलब नहीं है चीज़ का, राइट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम लोग नीली लेने वाले, क्लियर है। तो ये काम में आने वाले, क्योंकि ये कौन सा है सर, लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में ही हमको काम आता है रिटेबल वैल्यू, राइट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन, बोलता है कंस्ट्रक्शन कभी कमेंस हुआ, 1 अप्रैल 2019 में कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ है, और इसका कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2018 में कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब बताया उसने कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन। कंप्लीशन और कंस्ट्रक्शन कब देते हैं ना, याद रखना, जब भी है ना सामने वाला प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहेगा ना, तब वो कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन का बात करता है, ठीक है। तो हमको प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट के बारे में देखना है। तो सर मुझे ये बताओ, चलो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो कंप्लीशन का भी डेट दिया है इसने दोनों, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस बोल रहा है, म्युनिसिपल टैक्सेस किधर माइनस करते हैं अपन, जेवी से माइनस करते हैं, क्लियर है। फ्रॉम 1/4/19 से लेके 20, मतलब ये टैक्सेस पेड बोला है ना, पेड का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा पेड बेसिस पे होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर का है ये, राइट है, और प्लस पेड भी है ये, तो ये अपने को अलाउबल है।
बट अलाउबल किधर है, लेटर ऑफ प्रॉपर्टी में ही अलाउबल है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड से मतलब ही नहीं है उसको, राइट। नेक्स्ट सर, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, भाई कोई भी एक्सपेंसेस कर तू अदर देन इंटरेस्ट, राइट है, म्यूनसिपल टैक्सेस, देखो कहीं पर भी कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, देखो डीम डिडक्शन मिलने वाला है, ये तो पता ही है आपको, राइट। तो ये वेस्ट है अपने लिए इन्फॉर्मेशन, इसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, ये कभी भी पे हुआ कोई भी डेट का हो हमको कोई मतलब नहीं, हम इसका डीम डिडक्शन लेते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में जो 30% से लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दोनों में डिडक्शन मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिलता है, लेटर ऑफ प्रॉपर्टी में मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है 2 लाख का, वेयर हैज लेटर ऑफ प्रॉपर्टी में कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं सर, ये सोल्यूशन कर लेंगे इसका, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं सर, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोगों, दो प्रॉपर्टी के बारे में बात किया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक हम टेबल बना लेते हैं। चलिए फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी का हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे। अब लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं, ध्यान दें, राइट है। लेट आउट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे सर, आपने लेट आउट क्यों लिया सर, प्रॉपर्टी वन नंबर वन क्यों नहीं लिया, प्रॉपर्टी वन नंबर वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें कुछ कैलकुलेशन है ना, जो भी है अपना कैलकुलेशन लेट आउट में है। तो सर जीएवी, जीएवी क्या मिलेगा सर अपने को, सिंपल है, राइट है। तो यहाँ पर जीएवी, जीएवी क्या मिला सर, यहाँ पर क्लियरली लिखा था सर, कितना लिखा था, 30,000 का वैल्यू दिया अपने को, राइट है। मैं माइनस क्या करूँगा यहाँ पे सर, माइनस में म्यूनसिपल टैक्स करूंगा, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है सर, म्यूनसिपल टैक्सेस यहाँ पर हमने देखा किधर, तो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है देखो यहाँ पर, राइट है, यहाँ पर देखिए म्यूनसिपल टैक्सेस कितना, 9,600 सर, 9,600 का म्यूनसिपल टैक्सेस सर, ये माइनस करता हूँ मैं, ठीक है। माइनस करने से मुझे कितना मिलेगा सर, 20,400 मिलेगा, ये बना मेरा एनएवी बन गया, राइट, एनएवी बन गया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, लेस 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 क्या करूँगा सर, यहाँ पर डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। डिडक्शन में क्या है, फर्स्ट सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% पता ही है आपको, राइट। वहाँ पर कितना मिला मुझे, 30% ऑफ, 30% ऑफ किसका, जीएवी का, सॉरी एनएवी का, 30% ऑफ एनएवी, ठीक है। तो एनएवी कितना है, यहाँ पर आया तो इसका कितना परसेंट, 30%, तो मुझे आंसर मिलता है 16,6120। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा। देखिए इंटरेस्ट दो तरीके का हो सकता है, एक नॉर्मल इंटरेस्ट हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, प्री एक्विजिशन वाला, प्री एक्विजिशन वाला, ठीक है, प्री एक्विजिशन। तो सर मैं प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट की बात करता हूँ ना, जब प्री एक्विजिशन, ठीक है, इसकी बात करता हूँ ना इंटरेस्ट की, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, मुझे है ना हमेशा डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट, बोरोड अमाउंट, ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है, डायरेक्टली आ नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन 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 कमेंस कब हुआ था सर, कमेंस कब हुआ था, कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ था, अगर ध्यान दोगे, हम पहला किसका निकाल रहे हैं, हम इक्वेशन प्रॉपर्टी नंबर 2 का निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 का भी मैं, दोनों क्लियर हो जाएगा आपको, यहाँ पर मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी एग्जांपल के लिए रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 नंबर में डेट ऑफ कमेंसमेंट का है 1/4/2008 है, राइट, और क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, और कंप्लीट कब हुआ सर, ये कंप्लीट कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ सर, कंप्लीटेड ये हुआ 28/2/2011, ठीक है, 2011। मुझे ये बताओ
जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जो भी इसका प्री इक्वेशन इंटरेस्ट बना रहेगा, राइट, इसका इंटरेस्ट बना रहेगा प्री इक्वेशन, तो ऐसे टाइम पे वो 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा उसको, डिवाइड बाय 2 5 करके, राइट, डिवाइड बाय 5 करके 5 ईयर्स तक मिलेगा, 5 ईयर्स तक। मेरे को ये बताओ, 5 ईयर्स 2011 में कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये कैलकुलेट वहाँ से उसको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ होगा, राइट, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो यहाँ पर उसका प्री इक्वेशन इंटरेस्ट क्या हुआ होगा, डिवाइड बाय 5 करके सब क्लेम करके खत्म हो गया होगा, राइट है। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड इसलिए दिया है क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो आपको यहाँ पर कोई डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो मिलने वाला भी नहीं आपको, राइट, वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे खत्म कर लिया उन्होंने, क्लियर कर लिया। तो सेम यहाँ पर मैं कोई प्री एक्वेशन इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, इन्फॉर्मेशन दिया है सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड का, तो वो तो 5 साल तो हो गया, उसका बेनिफिट तो मिलेगा नहीं अभी, राइट। तो अभी नॉर्मल इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, नॉर्मल इंटरेस्ट कितना दिया है सर, सर वो क्या है, इधर सामने तो लिखा है, देखो नॉर्मल इंटरेस्ट कितना है, 6,000। तो वो 6,000 मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस करूँगा सर, माइनस करूँगा, नॉर्मल इंटरेस्ट जो है 6,000 माइनस करूँगा सर। ये दो जब टोटल होते हैं तो कितना बचता है, 1,120। ये जब टोटल होते हैं और ये जो है इधर, ये टोटल आया हुआ है 2,400, 20,400। तो जब इनको माइनस करूंगा तो मुझे इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना मिलेगा सर मुझे, यहाँ पर मिलेगा 8,280। कोई डाउट है सर, ये मैंने क्या किया, लेट आउट प्रॉपर्टी बनाया, बट लेट आउट प्रॉपर्टी है ये, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिला मुझे, बट अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। चलो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सर इन लोग ने, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ अपने को एक ही चीज़ बनाना पड़ता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में तुम क्या करना, कंटिन्यू करना इसको, ठीक है, ये देखो बना दिया मैंने, राइट। तो ये बना मेरा सेल्फ, ये बना मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर इसमें जीएवी कुछ आएगा क्या, नहीं, ऑलवेज क्या होता है, नील होता है, राइट सर। उसके बाद लेस म्यूनसिपल टैक्सेस आएगा क्या, म्यूनसिपल टैक्सेस होगा तो भी नहीं आएगा, क्यों सर, जब जीएवी नहीं है हम उसका क्या डिडक्शन लेंगे, राइट है, म्यूनसिपल टैक्सेशन, म्यूनसिपल वैल्यूएशन ने उसको म्यूनसिपल टैक्सेशन का बात ही नहीं करना है यहाँ पे, राइट। तो हमें ये नहीं लेना है, फिर बचता क्या है, एनएवी बचता है सर, एनएवी क्या बचेगा सर, नीली बचेगा सर, और क्या है इसके अंदर सर, लेस, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, राइट। तो मैम क्या करना है, ये क्वेश्चन को है ना कंटिन्यू करना है, मैं जगह की वजह से मैं बाजू में कर रहा हूँ, तुमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 30% का डिडक्शन लूंगा मैं, डिडक्शन किस पे सर, एनएवी पे, एनएवी क्या है सर, यहाँ पर नीली है, तो ये भी क्या बन जाएगा सर, नील बन जाएगा, क्लियर है सर। यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी तो है, इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट है, फिर बाद में प्री एक्वेशन इंटरेस्ट है, राइट, बट प्री एक्वेशन इंटरेस्ट तो है नहीं कुछ भी, उसे इंफॉर्मेशन डराने के लिए दिया है, राइट है ना, इंटरेस्ट रेट है ना, बोरोइंग अमाउंट है, कुछ भी नहीं, और प्लस वो 2011 का है, तो 2011 और 20 के बीच में तो 5 साल कब का हो गया होगा, राइट, तो नो प्री एक्वेशन इंटरेस्ट सर। तो फिर इसका कितना है सर इंटरेस्ट, देखो ना इधर कितना दिया, 6,000 दिया है, राइट है, तो हम 6,000 के बेसिस पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6,000 इक्वेशन, ये सॉरी इंटरेस्ट, तो ये बन गया 6,000 माइनस में चला गया सर, तो ये बन गया 6,000, ये किस किसका है सर, इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, समझा सर, ये दो चीज़ आ गया अपने को, राइट है। तो अपना काम क्या बनता है सर, टोटलिटी में लेना, तो जब तुम ए और बी ये दोनों ऐड करोगी, ये ए पार्ट समझो और इसको बी पार्ट समझो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना मिलेगा तुमको, ये 8,000, 2,280, तो यहाँ पर क्या मिलेगा सर, 2,280 मेरा बना है इनकम फ्रॉम, ठीक है, 2,280 मेरे लिए इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, क्लियर है सर, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नेक्स्ट और नेक्स्ट सम की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। अब अपने पास टोटल अभी नेक्स्ट मैं दो सम्स लेने वाला हूँ, उसके बाद ये चैप्टर को मैं क्लोज कर देने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपना चले जाएंगे हम लोग सैलरी के ऊपर। ठीक है, चलेगा। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेना एक बार और प्रैक्टिस भी करना। ऐसे कम सम्स नॉर्मली आते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या लिखा है, ये बुक का 22nd सम है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट और बिजनेस, तीनों भी है यहाँ पर। ठीक है, तो बी ओन्स अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 आइडेंटिकल यूनिट्स। मतलब सर बिल्डिंग है कोई, ठीक है बिल्डिंग है ये, समझो 3 माले का बिल्डिंग है, 3 फ्लोर्स का। ठीक है, ये बिल्डिंग है अपना। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, आइडेंटिकल यूनिट्स हुज कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन मार्च 23। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कब कंप्लीट हुआ है सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कब सर, 31 मार्च 2019 में कंप्लीट हुआ है सर। क्लियर है सर। नेक्स्ट, द बिल्डिंग वॉज ऑक्यूपाइड ऑन 1 अप्रैल, मतलब उसके बाद से वो 1 अप्रैल से यूज करना शुरू किया, बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट डेट अपने लिए मैटर करता है। ठीक है, द पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू 3 यूनिट्स गिवन बिलो। सर नीचे बोल रहा है कि एज ऑन 31 मार्च में क्या आएगा उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कैलकुलेट करो। राइट है, यहाँ पर लिखा है उन लोगों ने क्लियरली कि 31 मार्च 20 को अपने को क्या करना है, इसको दिखाना है सर। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो हम एज्यूम करते हैं, फिलहाल फिलहाल हम एज्यूम कर लेते हैं ये कि ये यूनिट 1 है। ठीक है, ये यूनिट 2 है और ये यूनिट 3 है। ठीक है, तो ऐसा 3 यूनिट्स है उसके पास। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, फेयर रेंट दिया है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड दिया है सर, ये GAV में काम आने वाला है। क्लियर है सर। नेक्स्ट, म्यूनसिपल टैक्सेस भी दिया है। म्यूनसिपल टैक्सेस क्या बोलते हैं, पेड, पेड सर, पेड वाला ही तो मिलता है अपने को बेनिफिट, तो ये अपने को चाहिए। ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ड्यू हो चुका है बट उन्होंने पेड ही नहीं किया अभी तक, तो ये नहीं मिलता है सर, ये सब बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यू होना चाहिए और पेड भी होना चाहिए, जरूरी है। मतलब इनडायरेक्टली तुम एडवांस टैक्स एडवांस में भी जाके पे करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए पेड बेसिस पे होना चाहिए, पेड होना चाहिए, ओनर पेड किया होना चाहिए। इधर ओनर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ओनर ने पे किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सर, लैंड रेवेन्यू ड्यू बट आउटस्टैंडिंग, मतलब कहीं से तो लैंड रेवेन्यू आने वाला है बट वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपना आता ही नहीं, वो कंसिडर नहीं होता जब तक तो वो HP में डेफिनेशन में नहीं आता, वो चीज़ हम कंसिडर नहीं करते यहाँ पर। राइट, कोई रेंट वेंट नहीं है तो लैंड रेवेन्यू है। मैंने पहले भी एक दो सम्स में आपको बता दिया है कि लैंड रेवेन्यू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है अपना। ठीक है, इनकम फ्रॉम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है, तो ये भी अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट क्या है सर, ग्राउंड रेंट ड्यू, कोई भी एक्सपेंसेस हो मैं डिडक्शन लूंगा 30% का, उससे ज्यादा मैं उसको बेनिफिट नहीं देने वाला, तो ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है सर। तो बचता कौन है सर, म्यूनसिपल टैक्स जो भी पेड बेसिस पे होगा वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद में ये GAV के लिए काम आने वाला है ये दोनों चीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का नेचर इसके बारे में बात कर रहे हो। यूनिट 1, ये जो यूनिट 1 जो है ना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, फॉर रेसिडेंस यूनिट 2 लेट आउट फॉर रेसिडेंस। तो ये सर क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी है सर। नेक्स्ट क्या है सर, यूनिट 3 यूज फॉर बिजनेस। तो सर ये क्या है ना सर, ये बिजनेस पर्पस के लिए, किसके लिए ये सर, बिजनेस पर्पस के लिए। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में, हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया था, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम पर्सनल बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं होगा, बल्कि वो इनकम फ्रॉम
बिजनेस में चला जाएगा। ये मैंने पहले से क्लियर रखा था, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाके देखिए, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ये इधर आएगा ही नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आने वाला नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं मुझे। बचता मेरा मतलब ये दो यूनिट से, ये दो यूनिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। एक यूनिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा यूनिट है लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, चले हम देखते हैं अभी क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2017 ही हैड बोरोड अ सम ऑफ 5 लाख बियरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, पर एनम फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सर ये जो लोन लिया था ना, इसने क्या किया है मालूम, ये बंदे ने ना लोन लिया है इसके ऊपर, लोन, ये पूरा बिल्डिंग के ऊपर लोन लिया है, लोन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, पूरा बिल्डिंग के ऊपर लोन लिया है, और वो लोन कितने का है सर, अमाउंटिंग टू रुपीज, अमाउंटिंग टू रुपीज, रुपीज कितना है सर, वो 5 लाख का लोन है। कितने लाख का लोन है, वो 5 लाख का लोन है, कोई डाउट है इसमें, सिंपल है। और उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है, इंटरेस्ट पोर्शन वो कितना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है, साल भर का 12% इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, देखो कितना खर्चा हुआ है बनाने प्रॉपर्टी, वो मेरा काम नहीं है, मेरे को कितना लोन लिया उसके ऊपर है। क्यों सर लोन क्यों बोल रहा है, हम लोग जब लोन लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का बताता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का बताता है, बोरिंग डेट बताता है, तो ऐसे टाइम पे याद रखना वो प्री एक्वेशन इंटरेस्ट की बात कर रहा है। नॉर्मल इंटरेस्ट तो कोई भी निकाल लेगा, प्री एक्वेशन इंटरेस्ट की बात चल रही है पर। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर, हम देख लेंगे। अब कंस्ट्रक्शन सॉरी बोरोड 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 कब किया था उसने, बोरोड लोन कब लिया था उसने, 1 अप्रैल 2017, राइट है, यहाँ पे बोरो किया, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखो दो डेट का बीच का डिफरेंस मैटर बहुत करता है अपने लिए भी, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग, ये सब इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, राइट है। तो अभी सम्स पे जाते हैं हम लोग, सम्स करके देखते हैं कि क्या होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड और हो या लेट आउट हो, मुझे दोनों के लिए इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, राइट है, इतना तो क्लियर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिखा है देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है चलो, तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट लेट आउट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, सिंपल थोड़ा वर्किंग होता है वहाँ पे, राइट, वो कर लेंगे अपन, या फिर तुमको जो लेना है वो ले सकते हो, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना है या लेट आउट, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद में उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, ये सिंपल होगा अपने लिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, जैसा यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर वन में जीएवी, ये क्या है सर, यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन अगर आप देखोगे तो ये किसका है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, राइट, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो यूनिट नंबर वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो मेरे को बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम जीएवी क्या लेते हैं सर, जीएवी कुछ होता है क्या अपना, नहीं होता है सर, जीएवी हमेशा क्या होता है, नील होता है सर। सर जब ये जीएवी नील होगा तो मैं क्या करूँगा, म्यूनसिपल टैक्सेस क्या करूँगा, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना होगा सर, वो भी नील होगा सर मेरे लिए, राइट है। तो ये नील, तो ये भी नील सर, ये बना मेरा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, क्रॉस एनुअल वैल्यू, और ये नेट एनुअल वैल्यू सर। उसके बाद में मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करूंगा सर, डिडक्शन सर, डिडक्शन कितना क्लेम करूंगा, अंडर सेक्शन कौन सा सर, 24 का भी भूलना मत ये डिडक्शन, राइट। उसमें मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लूंगा पहले, स्टैंडर्ड डिडक्शन सर कितना परसेंट, एट द रेट 30% सर, किस पे सर, एनएवी पे सर। सर एनएवी कुछ है क्या अपने पास, नहीं है सर, तो ये नील हो जाएगा ये भी। तब आता है अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है सर इसमें, एक तो नॉर्मल इंटरेस्ट भी है और प्री एक्वेशन इंटरेस्ट भी है। सर आपने कैसा पहचाना कि प्री एक्वेशन इंटरेस्ट है, क्योंकि जो लोन लिया है उसने और जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और जो हमारा प्रीवियस ईयर है, ये तीनों भी बहुत नज़दीक है और 5 साल का गैप नहीं है कोई दूर,
जैसा लास्ट प्रीवियस सम में हमने देखा था 2011 में लोन लिया था या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और 2019 की बात कर रहा है, तो बीच में 5 साल तो निकल गए होंगे, तो उसका प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट की बात आती नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी खत्म हुआ है, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो उस हिसाब से अपना प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट आगे के 5 साल तो आएगा ही, वो आराम से चला जाएगा 2022-23 तक, राइट है। तो ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, मैं अभी बताने वाला हूँ, आराम से देखना। तो ठीक है, ये बना प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, ठीक है सर, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट अपने को चाहिए अभी, और ये अमाउंट अपने को चाहिए, राइट। तो अपना सम्स खत्म होगा, ये बना मेरा यूनिट नंबर वन सर, यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू क्या बोलता है, लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या बोलता है सर, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है सर। सर लेट आउट प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे सर, देखो लेट आउट प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या करते हैं अपन, जीएवी निकालते हैं, राइट। जीएवी कैसा निकलेगा सर बताओ मुझे, चलो जीएवी के लिए क्या है, यूनिट नंबर टू है, राइट, ये वाला करने वाले हैं हम लोग अभी, ये वाला तो बिजनेस का है, इसको छोड़ दो, ये बिजनेस का है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ये प्रॉपर्टी, ये पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, इधर कुछ नहीं है इसका काम। तो ये वाला सर, फेयर रेंट कितना है और रेंट रिसीव्ड कितना है, ये दोनों है, तो ये दोनों में अपने को क्या मिल जाएगा, जीएबी मिल जाएगा, राइट है। तो सर हम लोग जीएबी के और बढ़ते हैं, कितना है सर, 60,000, और एक है फेयर रेंट, फेयर रेंट, राइट, फेयर रेंट कितना है सर, 60,000, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है, वो कितना है सर, 72,000। सर मेरे को बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, हाइयर, राइट, वही बन जाएगा मेरा जीएवी, तो मेरा बन गया सर 72,000, ठीक है, 72,000। अब मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा सर, यहाँ पर तो म्यूनसिपल टैक्सेस मैटर करते हैं अपने लिए, म्यूनसिपल, म्यूनसिपल टैक्सेस, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस सर कितना है, म्यूनसिपल टैक्सेस आई थिंक यहाँ पर है, देखिए 5,000 है, राइट, क्वेश्चन में 5,000 है, 5,000 है, तो ये 5,000 में यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो मुझे कितना मिलेगा सर, 67,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये 67,000 क्या मिला मुझे सर, एनएवी मिला सर, एनएवी मिला, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे सर फिर से, क्या सर, डिडक्शन लेस करेंगे सर अंडर सेक्शन 24 में, राइट। पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑन एनएवी, राइट, एनएवी सर यहाँ पर है, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 20,100 आ जाएगा आपको, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे सर। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है अपना इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट सर उसमें दो इंटरेस्ट है सर, फर्स्ट नॉर्मल इंटरेस्ट है अपना, नॉर्मल ड्यूरिंग द ईयर जो चार्ज होता है, राइट, नॉर्मल इंटरेस्ट, राइट। सेकेंड कौन सा है सर, अपना प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट सर, ये दो अब कैलकुलेट करना है हमें, तब जाके अपना आंसर रेडी हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। सर ये कैलकुलेट करने से पहले मैं ये कुछ फैक्ट्स जो है ना यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है यहाँ पर। तो सर मुझे ये बताइए वर्किंग नोट, ठीक है सर, प्रॉपर्टी कब कंस्ट्रक्ट हुआ कंप्लीट, यहाँ पर लोन बोरोड क्या लिखूँ मैं, फर्स्ट लोन सर, लोन बोरोड कितना हुआ है, लोन बोरोड रुपीज़ मैंने ऊपर लिख दिया है क्लियरली, 5 लाख रुपीज़, राइट है। मेरे को बताओ ये 5 लाख रुपीज जो है वो एक प्रॉपर्टी का है क्या, मतलब ये पूरा बिल्डिंग के लिए लोन लिया है मैंने, ये तो मानते हो आप, तो ये टोटल मिला के 3 यूनिट्स का है, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों मिला के यूनिट्स का 5 लाख बोरो किया है, मतलब कुछ हिस्सा बिजनेस वाले थर्ड का है, कुछ हिस्सा सेकंड का है, कुछ हिस्सा फर्स्ट का है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट समझ रहे हो ना, बांटोगे ना, राइट है, कल तुम चाइनीज खाने जाओगे,
फ्रेंड्स के साथ, तो तुम लोग अगर दो प्लेट खाते हो तो अगर सामने फ्रेंड है तुम्हारे तो तुम लोग शेयर करते हो, राइट है। नॉर्मली ये लड़कियों के केस में होता है, ठीक है। तो सेम वैसे तो इंटरेस्ट भी इसमें आएगा ना, तो शेयर होगा, डायरेक्टली पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ पर सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या बोला, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 31/3/2019। और लोन टेकन डेट क्या है, लोन कब लिया है सर, यहाँ पर डेट था इधर, ये देखिए इधर मैंने लिखा है 1/4/17, मतलब इसके बीच में, राइट। तो याद रखना, जब भी मैंने बताया है, जब भी ऐसा कंफ्यूज होता है तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना, एक अच्छा से लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन बोरो किया मैंने, लोन बोरो यहाँ पर किया मैंने 1/4/2017 में बोरो किया मैंने, राइट। पूरा 1 साल कब होता है सर इसका, यहाँ पर होता है समझो 31/3/2018, राइट। फिर आगे बढ़ते हम लोग 31/3/2019, फिर आगे बढ़ते सर 31/3/2020, फिर आगे समझो ये आगे बढ़ते 31/3/2021। तो ये चीज़ है मेरे लिए, प्रीवियस ईयर क्या है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे लिए प्रीवियस ईयर है, राइट है, ये प्रीवियस ईयर है मेरा। और ये जो अगर ध्यान देते हो आप, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर, राइट है। और याद रखना, जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वो डेट के एग्जैक्टली पीछे जो क्लोजिंग डेट होती है वहाँ पर अपना क्या होता है, कैलकुलेशन प्री इक्वेशन तक पहुँच जाते हैं हम लोग। तो ये जो कंप्लीट हुआ है एग्जैक्टली इसके पीछे, ये ऐसे मैंने सम्स पहले भी करवाया है तो मैं ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं डालूंगा ये चीज़ पर, ठीक है। तो इसके जहाँ पर कंप्लीट हुआ है एग्जैक्टली उसका प्रीवियस जो है एंडिंग डेट क्या है वो देख लेना। तो यहाँ पर प्रीवियस डेट एंडिंग डेट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना क्या रहेगा, प्री इक्वेशन इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, क्या होगा, प्री इक्वेशन इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, ठीक है। मतलब सर 1 ईयर का ये ज़्यादा नहीं है, और प्लस प्रीवियस ईयर अपना जो भी है वो तो कैलकुलेट हो ही रहा है, राइट है। तो ये जो प्री प्री एक्विशन इंटरेस्ट और ये कैसा मिलेगा सर, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो लोन 5 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट 12%। तो क्या आएगा सर, 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, नॉर्मल इंटरेस्ट निकालो, तुमको बोला भी नहीं प्री इक्वेशन में जाके निकालो, नॉर्मल इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा सर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 12%। तो कितना आता है सर, 5 लाख इंटू 12%, जो भी आएगा अमाउंट, तो कितना आता है सर, 5 लाख इंटू 12,000, 5 लाख इंटू 12%, 5 लाख इंटू 12% कितना आता है सर, 60,000 आता है। सर मेरे को ये बताओ 60,000 एक का है क्या, नहीं ना, दो प्रॉपर्टी का है, तो सॉरी 3 यूनिट्स का है, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड बाय 3 यूनिट्स, तो मेरे को सिंगल यूनिट्स का पता चल जाएगा, तो डिवाइड बाय 3 करता हूँ, तो कितना आया सर, ये मेरा 20,000 आया, ये मेरा 20,000 इंटरेस्ट आया पर यूनिट, क्या बोला मैंने, पर यूनिट, हर एक यूनिट का 20,000 का नॉर्मल इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्मल इंटरेस्ट अपना, राइट, इसको क्या बोलेंगे अपना, नॉर्मल इंटरेस्ट। तो सर अब हम क्या करेंगे, प्री इक्वेशन इंटरेस्ट बातेंगे, प्री इक्वेशन इंटरेस्ट सर मेरे को बताओ, प्री इक्वेशन इंटरेस्ट भी निकालेंगे हम लोग, किस पे निकालेंगे सर, उधर अपने को पता चल गया सर एग्जैक्टली अपने को कितने से निकालना है प्री इक्वेशन, सिर्फ 1 साल से निकालना है यहाँ पर, राइट, सिर्फ 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का भी सेम ही अमाउंट आएगा, कुछ है क्या फर्क आने वाला है क्या, राइट, 1 साल का भी कितना आएगा सर, सेम ही आएगा, 5 लाख इंटू 12% इंटू ओनली फॉर 1 ईयर, 1 ईयर सर, कहाँ से, फ्रॉम 1/4/17 टू 31/मार्च/18, राइट, एक ही साल का आएगा, तो वो भी क्या बन जाएगा सर, जो भी आएगा आंसर कितना आएगा सर, 20,000 आएगा,
20,000 डिवाइड बाय 3 यहाँ पर हुआ, तो वो भी बना तुम्हारा, सॉरी हाँ सर, कितना आएगा? ये आएगा सर 60,000, फिर से क्लियर है, 1 साल का प्री इक्वेशन, और डिवाइड बाय क्या करूँगा, 3 यूनिट्स करूँगा, तो सिंगल यूनिट का कितना आएगा, 20,000। बट याद रखना 20,000 सिंगल यूनिट का आ गया पर यूनिट, बट डिवाइड बाय क्या करोगे, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स प्री इक्वेशन हमेशा किसका होता है सर, 5 ईयर्स का होता है, 5 इंस्टॉलमेंट्स का होता है, आप बात कर सकते हो राइट, 5 इंस्टॉलमेंट का हो सकता है राइट, होता है हमेशा। तो 5 ईयर्स का क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो कितना आता है सर, 20,000 डिवाइड बाय 5 किया तो आता है सर 4,000। कितना आएगा सर, 4,000। तो प्री इक्वेशन इंटरेस्ट 4,000 पर यूनिट, समझा, हर एक यूनिट का। अब ये यूनिट जैसे कि अभी यूनिट वाइज अपन इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, यूनिट वाइज, यूनिट वन में अब यूनिट यूनिट वन में क्या होगा सर, नॉर्मल इंटरेस्ट 20,000 और प्री इक्वेशन इंटरेस्ट आएगा 4,000, ठीक है। यूनिट टू में नॉर्मल इंटरेस्ट 20,000 और प्री इक्वेशन इंटरेस्ट आएगा 4,000, और यूनिट थ्री रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इधर अपने को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके अपने को मिल गया ये सर आंसर, आ गया 24,000, 24,000। तो मैं जो ऊपर लिखा था यहाँ पर राइट, मैं इसको रफ करता हूँ, अपने को पता चल गया आंसर कितना मिला है सर, अपने को 20,000 और 4,000। सर ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, सेम। नेक्स्ट सेम, अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, कलर करके रखा था, ये छोड़ दिया था इसको 20,000 और ये 4,000, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। तो फिर कैलकुलेट करो सर कितना आता है, बताओ हमको एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा ए वैल्यू, जो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका तुमको आंसर आएगा -24,000 में आ जाएगा, क्लियर है। और सेकंड जो आएगा आपको, देखो कितना आता है, 67,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000, तो कितना बचता है सर, ये बचता है तुम्हारा बी पार्ट 22,900, ये बना तुम्हारा बी। और टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बना ए प्लस बी, ए कितना है सर 24,000 माइनस में, और बी कितना है सर, ऐसा करके तुम्हारा नेगेटिव फिगर आएगा 1,100। तो गाइस मैं अज्यूम करता हूँ आपको समझ गया होगा, अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़ में, ठीक है। चलिए लास्ट सम अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फाइनली क्लोज हो जाएगा चैप्टर, और हम बढ़ेंगे आगे सेल्फ इनकम फ्रॉम सैलरी में चले जाएंगे। तो लास्ट सम क्या है सर, देख लेते हैं। चलो मिस्टर कृष्णा, वेरी गुड, नाम मेरा ये आ गया, लास्ट सम मेरे नाम से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मिस्टर कृष्णा ओन्स रेसिडेंशियल हाउस, वेरी गुड सर, रेसिडेंशियल हाउस इन दिल्ली, घर है उसका। द हाउस हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्यों ऐसा बोला आपने, एक घर है उसका, ठीक है, घर है उसका घर है उसका, और वो घर
दो पार्ट में डिवाइडेड है, टू यूनिट्स है, आइडेंटिकल यूनिट्स, ठीक है, टू आइडेंटिकल यूनिट्स ओनली। ये पूरा का पूरा क्या है सर? ये पूरा का पूरा रेसिडेंशियल हाउस है। क्या है ये सर? रेसिडेंशियल हाउस है। तो वो दो यूनिट में डिवाइड है। यूनिट वन जैसा लास्ट सम अपने किया था वो पूरा बिल्डिंग था, बट ये एक ही घर है, और ये यूनिट टू, ठीक है। आगे क्या लिखा है सर? द फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब सर ये जो है यूनिट, कौन सा सर? ये वाला। इसको क्या बोला उसने? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। वेयर हैज, आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है? कृष्णा, बाय कृष्णा, कृष्णा ने खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है। एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 12,000। मतलब सर ये जो अनदर यूनिट है ये क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ 12,000 पर मंथ है। मतलब 12,000 का रेंट ले रहा है वो। एक ही घर है, डिवाइड किया। ऐसा बहुत जगह देख सकते हो, इंडिया में तो चलता ही है। एक घर है जिसको उसने क्या किया है, दो पार्ट में करके एक घर लेट आउट किया और एक घर में खुद रहता हुआ, राइट। आगे क्या लिखा है सर? द रेंटेड यूनिट वॉज वैकेट, वैकेट फॉर 3 मंथ। अरे सर वैकेंसी वाला केस आ गया। ये क्या बोल रहा है? ये जो है 3 मंथ के लिए क्या है? वैकेंसी है इसमें। 3 मंथ के लिए वैकेंसी का मतलब क्या हो गया सर? मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहता था ऐसे टाइम पे। वो वैकेंसी अपने को कहाँ पर काम आएगी सर? वो जब जीए भी फाइंड आउट करते हैं ना, जीए भी फाइंड आउट करते हो, विच एवर इज हाइयर बोलते हैं अपन, आरएलबी और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ऐसे टाइम पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी का वजह से, तो मैं एक्चुअल रेंट रिसीव को ही जीएबी मानूंगा, अदरवाइज वो आरएलबी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है सर? बहुत सम हो गया सर, बार बार ये चीज खत्म होने आया चैप्टर, तो ये चीज मैं बताऊंगा नहीं बार बार। नेक्स्ट, पर्टिकुलर ऑफ द हाउस दिया है सर, प्रीवियस ईयर, ठीक है सर। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, वेरी गुड, पर एनम। सर मेरे को ये बताओ, जब ये स्टैंडर्ड रेंट पर एनम, म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया है पर एनम, समझ रहे हो, फेयर रेंट दिया है पर एनम, और म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द कृष्णा 12,000, ठीक है। अब ये सब चीज़ दिया है उसने, तो मेरे को ये बताओ, ये जो है ये पर एनम, ये जो है ना स्टैंडर्ड रेंट, ये किसका रहेगा? 2020 है ना वो कुछ, ये पूरा हाउस का होगा क्या? ये पूरा का पूरा जो हाउस है ना उसका होगा। दो यूनिट में उसने खुद ने बांटा है, ऐसा कोई अलग से घर नहीं था उनका, ठीक है, एक ही घर था, दोनों में उसने बांटा है। तो याद रखना, जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो पर एनम जो दिया है उसको दोनों यूनिट्स में बांटोगे आप प्रॉपरली, ठीक है, तभी कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगी। आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आधा लेट आउट है, ठीक है। आगे सर, लाइट वाटर चार्जेस इंटर, लेकिन लाइट वाटर चार्जेस से मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं इसका बेनिफिट नहीं ले सकता यहाँ पर, राइट। तो वो मैं इसको काट दूंगा यहाँ पे, मेरे को कोई मतलब नहीं इसका सर। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैटर करता है कि नहीं? अरे बहुत सर, इंटरेस्ट ही तो है जो अपने को क्या करता है, थोड़ा बहुत समझाता है। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ठीक है, इंटरेस्ट कितना सर? 2,000 पर मंथ। बॉरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग भर रहे हैं, तो एज्यूम करते हैं बॉरोड कैपिटल किसका है? हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर ही लिया है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा सर, वो इंटरेस्ट का बेनिफिट लूंगा, नॉर्मल इंटरेस्ट सर। उसके बाद में क्या है सर? इंश्योरेंस चार्जेस, सर माफ कर दो, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद में आता है पेंटिंग एक्सपेंसेस। भाई कोई भी एक्सपेंसेस कर लो, 30% से ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है तुमको, राइट। तो ये सब चीज़ वेस्ट है अपने लिए। तो चलो सर हम लोग सम सॉल्व करते हैं, सम्स देखते कैसा आएगा, राइट। चलो मैं करता हूँ यहाँ पे सम सॉल्व, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। सल्यूशन, ठीक है, सल्यूशन में दो यूनिट्स बने, एक मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक मेरा लेट आउट। तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पहले ले लेते हैं, बहुत छोटा सा होता है, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। तो यूनिट वन क्या है सर? यूनिट वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सर। चलो इसका सर, सॉरी, हाँ
इसका सर जीएवी निकालेंगे हम लोग। सर जीएवी क्या होता है सर? क्या बार बार एक चीज बात करते हो सर, जीएवी कुछ नहीं होता है इसका। क्या बोला मैंने? जीएवी कुछ नहीं होता, नील होता है हमेशा। लेस म्यूनसिपल, म्यूनसिपल म्यूनसिपल वैल्यूएशन सर, म्यूनसिपल टैक्सेस सर, आता है क्या सर? नहीं आता है सर, ये भी नील होता है हमेशा सर, ये भी नील होता है। नेक्स्ट सर एनएवी है ये, राइट। उसके बाद सर डिडक्शन, सर क्यों कर रहे हैं ये? अरे इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो दूंगा ना मैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सर, ये कितना सर? ये रुकिए, ये दो पार्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मुझे नहीं मिलने वाला है, कुछ काम का नहीं एनएवी पे, राइट। तो ये भी नील हो जाएगा। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा सर, मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा सर? कितना है सर इंटरेस्ट? 2000। तो सर मैं 2000 पर मंथ क्या करूँगा सर? 2000 पर मंथ अगर करूँगा तो 12 महीने के लिए कितना आएगा सर मुझे? 24,000 आ जाएगा सर। डायरेक्टली ले लूँ क्या 24,000? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि सर मुझे क्या करना है, यहाँ पर आधा तो किसका है? सेकेंड वाले यूनिट का है ना, तो आधा तो देना पड़ेगा उसको, राइट है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मिला के इंटरेस्ट किया है मैंने, और तुमने क्या किया, वो दो टुकड़ों में बांटा है, तो मुझे भी इसमें क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 यूनिट्स, ठीक है? कितना बना सर ये? 12,000। तो ऐसा करके मुझे ये सम का फर्स्ट मिल गया सर 12,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इधर लिखता हूँ, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ये इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको, सिंपल चीज़ अपन बहुत सम से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे कौन है सर? यूनिट टू। यूनिट टू जो हम क्या करने वाले हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए बात करने वाले हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए बात करने वाले। तो सर वहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट जीएवी निकालेंगे। सर क्वेश्चन देखो ना, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, क्या निकालना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने को सिर्फ क्या दिया, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल और फेयर वैल्यूएशन, जो भी आएगा वही पे क्या कर लूंगा मैं। एक्चुअल रेंट का इन्फॉर्मेशन है, बट वो क्या है तुमको ये करना पड़ेगा कैलकुलेट। चलो यहाँ पर मैं ना डायरेक्टली नहीं लिखूंगा कुछ भी, उससे अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट डाल देंगे इस पर, ठीक है? वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलो यहाँ पर मैं वर्किंग कर लेता हूँ, वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट में अपने को फर्स्ट क्या निकालना है? जीएवी निकालना है ना, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ आरएलवी, राइट। आरएलवी, ठीक है, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। कैसा आएगा सर? एक आएगा सर फेयर रेंट, दूसरा आएगा सर म्यूनसिपल वैल्यूएशन, जो भी हायर होगा वो। उसके बाद सर देखते हैं क्या है म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। सर फेयर रेंट है 235 और म्यूनसिपल वैल्यूएशन 244। तो 235, ठीक है, पर एनम है, और टू कितना था भाई, मैं भूल गया, 244, 244, वेरी गुड सर, 244। सर हायर कौन सा है सर? 244 है इसमें, राइट है। फिर उसके बाद में सर मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड रेंट देखूंगा। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर? नहीं देखा मैंने वो भी, 220 है सर। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर? 220 है। सर क्या करूँगा, लोअर, लोअर कौन सा है सर इसमें? 220 लोअर है। तो ये मेरा क्या बन गया सर? आरएलवी बन गया। क्या बन गया सर? आरएलवी, ठीक है सर। अभी कैलकुलेशन ऑफ क्या करूँगा मैं सर? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, राइट है। तो वहां पे क्या करूंगा, एक्चुअल रेंट कितना रिसीव किया मैंने? एक्चुअल रेंट, सॉरी एक्चुअल रेंट, हम यहाँ पर एक्चुअल ने हम एनुअल रेंट लिखते, राइट, एनुअल रेंट। सर क्वेश्चन में क्लियरली दिया था कि ये जो बंदा है वो 12,000 से रेंट चार्ज कर रहा है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, राइट, 12,000 से रेंट चार्ज कर रहा है।
तो 12,000 का रेंट के हिसाब से कितना होना चाहिए सर? 12,000 इंटू 12, 12,000 इंटू 12 तो 144 आता है, राइट है? 144 बनेगा सर। उसमें से मैं क्या करूँगा सर, लेस करूँगा सर एनी वैकेंसी, वैकेंसी तो है ना इसमें। कितना मंथ का है सर? 12,000 इंटू क्या है, 3 मंथ्स का वैकेंसी है, याद है? 3 मंथ का वैकेंसी है तो कितना आता है? 36,000। तो इसमें से 36,000 माइनस करूँगा तो मेरे को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आया सर? मुझे आया 1,08,000 सर, राइट है सर? ये मेरा पार्ट बना बी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, राइट है? तो मुझे बताओ ये और ये दोनों में से हम क्या देखते हैं हमेशा, हम क्या देखते हैं हमेशा, विच एवर इज हायर देखते, राइट है? हमेशा हम क्या करते, विच एवर इज हायर देखते। बट इन केस इफ, रुकिए, इफ ARR इज लेस बिकॉज ऑफ वैकेंसी, राइट? अगर ARR कम है वैकेंसी के वजह से तो हम ARR को कंसिडर करते, राइट? तो वैकेंसी तो 36 है, अगर मैं वैकेंसी नहीं होता तो मैं कितना होता? 144 होता है। तो मेरे को बताओ ये 144 बड़ा होता या 222? वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक चीज भूल गए। यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, प्योरली फॉर यूनिट टू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। और तुम बोलोगे सर ये 2,20,000 किधर और ये 1,44,000 किधर? भाई तुम लोग याद रखना ये क्वेश्चन, मैं भूल गया तो तुम लोग कभी भूलना मत ये क्वेश्चन, राइट? यहाँ पर क्या दिया है, एनुअल रेंट दिया, एनुअल एनुअल दिया है, राइट? एनुअल सब दिया है और वो यूनिट के लिए, टोटल रेसिडेंशियल फ्लैट के लिए दिया है, मतलब टोटल के लिए दिया है वो। मतलब यहाँ पर यूनिट 1 भी है और यूनिट 2 भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, ये डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा 2 यूनिट से, क्योंकि ये दोनों यूनिट का मिला के, क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यूनिट 2 का कितना आएगा सर, यूनिट 2? तो सर यूनिट 2 का आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2,20,000 पूरा साल भर का है और पूरा दोनों यूनिट का मिला के, तो डिवाइड बाय 2 करो ना भाई, कितना आता है? डिवाइड बाय 2, 220 डिवाइड बाय 2 सर कितना आता है? 110 आता है। कितना आता है सर, कितना आता है सर, कितना आता है सर? 110। हाँ अब कंपेरेबल है ना, करो ये, राइट है कंपेरिजन, राइट? अब कंपेयर करो सर, 1,08,000 और 1,10,000 बड़ा कौन है सर? सर 1,10,000 बड़ा है, तो मान लो क्या इसको जीएवी? नहीं मान सकते हो, क्यों सर? क्योंकि हमें कंपैरिजन करते वक्त एआरआर को पूछना पड़ेगा, भाई तू कम क्यों था? अगर वो कम क्यों है सर, वो कम क्यों है सर, वो कम क्यों है? क्योंकि वैकेंसी की वजह से कम है वो। किसके लिए वजह से कम है? वैकेंसी की वजह से। तो याद रखना वैकेंसी के वजह से ही कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं तो वो कितना होता था, 144 होता था, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज हाइयर को इग्नोर करके मुझे किसको लेना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट रिसीव को ही क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा एज अ जीएवी, ठीक है? तो ये विच एवर इज हाइयर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा ये हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ से निकाल के हम इसे नीचे ले लेंगे, ठीक है? तो चलो सर हमें मिल गया आंसर, मिल गया क्या है, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सर इसका आंसर मुझे मिल गया सर, 1,10,000
और 1,08,000 में से हमने किसको चॉइस किया, इसको, क्योंकि वैकेंसी का रीज़न था इसलिए इसको चॉइस किया, वैकेंसी का रीज़न था। तो 1,08,000 क्या बना मेरा, जीए भी बन गया सर। लेस लेस क्या करूँगा, म्यूनसिपल टैक्सेस। सर म्यूनसिपल टैक्सेस कितना है, 12% ऑफ किसका है, देखो ना यहाँ पर लिखा है 12% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन। म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना है सर, ऊपर ही तो देखा था हमने, म्यूनसिपल वैल्यूएशन यहाँ पर भी तो है, देखिए 244। तो 244 का कितना आता है सर, 12,000, सॉरी 244 का 12% कितना आता है, 29,280। सर लिख दूँ क्या, नहीं सर वो 2 यूनिट का है तो डिवाइड बाय 2 यू करो तो कितना आएगा तुमको, 14, कितना आएगा तुमको, 14,640 का आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस करो 108,000 तो तुमको मिलेगा 93,360। तो उसके बाद ये क्या बना तुम्हारा NAV, माइनस क्या करूँगा सर यहाँ पर, माइनस करूँगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन होने के बाद हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देखेंगे सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है सर, 30%, 30% ऑफ इसका, सर इसका 30% ऑफ निकालोगे तो 28,008 आ जाएगा, ठीक है। और बाद में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है सर, सर इंटरेस्ट तो अपने को दिया है, कितना दिया था, 2,000 पर मंथ दिया था 12 मंथ के लिए, बट डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट्स, 1 यूनिट का ही लगा ना मैं बेनिफिट, तो 24 डिवाइड बाय 2 कितना आता है सर, 12,000 आ जाता है, ठीक है। तो ये दो भी माइनस हो जाएगा हमें, तो कितना आता है, 93,360 माइनस 28,008 माइनस 12,000, तो ये मेरा बना 53,352, ठीक है। ये बना मेरा बी पार्ट और ये मेरा बना ए पार्ट, यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, राइट। तो सर ये मेरा बना इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सर आप क्या करेंगे सर, फाइनल आंसर देंगे, इनकम फ्रॉम, सॉरी इनकम फ्रॉम HP कितना आएगा सर, ए प्लस बी करोगे सर, ए प्लस बी कितना था देखो, 12,000 माइनस में, तो 53 में माइनस 12,000 कर दो, तुमको आंसर मिलेगा 41,352। ऐसे करके हम लोग ये सम्स को ख़त्म करते हैं और अपना जो ऐसे करके हम लोग ने पूरा चैप्टर को क्लोज किया और ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रोविजंस पढ़ेंगे, सम्स करेंगे, जैसे HP के लिए टाइम लिया वैसे ही वो भी चला जाएगा, बट याद रखना मैं पूरा कोशिश करूंगा हर एक सम्स मतलब मेरे तरफ से 50% सम्स तो मैं करके आपको दे सकूं, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, और जिन जिनको ये वीडियोस की ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, और हो सके तो ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहना, ठीक है। और थैंक्स फॉर कमेंट्स एंड क्वेरीज, आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर क्वेरीज, ओके।